हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई नर्सिंग अपडेट के साथ में। बहुत बड़ी अपडेट में लेकर आया हूँ आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, ये होने वाली है अपडेट, आपकी जो अपडेट होने वाली है ये होने वाली है राजस्थान के अलवर शहर से। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अलवर शहर से एक पहली बार नर्सिंग ऑफिसर जो है सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होने वाली है। आप जानते हो अपने राजस्थान में टोटल एक ही एम से, जो कि जोधपुर एम से, जैसे ही हमारी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी होती है, लेकिन इस बार हमारे अलवर से, जी हाँ दोस्तों, अलवर से ESIC की वैकेंसी आ चुकी है। 247 वैकेंसी ये टोटल होने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की। तो मैं इसमें बताता हूँ आपको पूरी इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी दोस्तों। ESIC की जो अभी वैकेंसी आ रही है उनमें ये लगभग जुड़ के आएगी। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अभी अलवर मेडिकल कॉलेज है, तो उसने जो है इस एप्लीकेशन को लिखा है। किसको लिखा है? हेडक्वार्टर को लिखा है, न्यू दिल्ली सेंट्रल को लिखा है कि हमारा ये अलवर में मेडिकल कॉलेज है और यहाँ हमें जो है इतनी इतनी पोस्ट की ज़रूरत है। वैसे तो ये इसमें डॉक्टर, सीनियर स्टाफ, काफ़ी नर्सों की इसमें पोस्ट निकले, लेकिन हम सिर्फ स्टाफ नर्स की ही बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें 247 इसमें पोस्ट होने वाली है, बाकी 229 पोस्ट हमारे लिए रहेगी और बाकी जो पोस्ट रहेगी वो जो वहाँ पर अभी काम कार्यरत कर्मचारी है उनको ही पोस्टिंग दी जाएगी। तो रिवाइज्ड सेंक्शन ये जारी किया गया है, कि लेटर जारी किया गया है रेजिडेंट्स के लिए, टीचिंग फैकल्टी के लिए, रेजिडेंट्स के लिए, डॉक्टर के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, मिनिस्ट्री स्टाफ के लिए, एडमिनिस्ट्री स्टाफ के लिए। रेस्पेक्टिव प्रपोज ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर राजस्थान फॉर 100 MBBS लेटर फॉर्मेशन LLP 300 पेज रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इसकी बात करेंगे, मैंने काफ़ी सारी इसमें पोस्ट दिखाई है, एना फिजियो बायो केमिस्ट्री फार्मा, या पढ़ लेना, मैं PDF लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम स्टाफ नर्स की बात करते हैं इसमें, तो चलिए नीचे चलते हैं, स्टाफ नर्स की हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रही स्टाफ नर्स की। तो दोस्तों मैं इसमें आपको टोटल बता दूँ इसमें कितनी स्टाफ नर्स की वैकेंसी होने वाली है। तो 47 इसमें स्टाफ नर्स की वैकेंसी होने वाली है, एंड स्टाफ नर्स की इसमें लेवल 7 को पे किया जाएगा। काफ़ी अच्छा पे होता है, लगभग 60,000-70,000 तक की इसमें, यह अभी राजस्थान सीएच के बाद बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है ESIC की। तो आप इसकी जो है अभी से तैयारी कर दें, क्योंकि लगभग 3 मंथ इसमें अभी लगेंगे आने में वैकेंसी में, और 1 मंथ में जो है इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आपको अभी से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि हमें लेना है इसमें सेलेक्शन। तो 160 बात इसमें स्टाफ नर्स की होने वाली है। नर्सिंग सिस्टर की इसमें 69 पोस्ट होगी, इसके अलावा नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की 15, डिप्टी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की 2 पोस्ट और नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की 1 पोस्ट होने वाली है। इसमें बताया गया है कि इनिशियली रिक्वायरमेंट फॉर स्टाफ नर्स वुड बी अगेंस्ट, मतलब अलवर मेडिकल कॉलेज ने हेडक्वार्टर को लिखा है कि हमें इनिशियली रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है स्टाफ नर्स की, वुड बी अगेंस्ट कमेंड सेंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ नर्स एंड नर्सिंग सिस्टर की। इसमें से 160 जो पोस्ट हमारी रहेगी और 69 पोस्ट उनको दी जाएगी जो वहाँ पे कार्यरत कर्मचारी है। पोजीशन अगेंस्ट अबव मेंशन पोस्ट दिया दोस्तों। तो इसमें काफ़ी सारी पोस्ट होने वाली है ESIC की जो अभी वैकेंसी आएगी, इसमें कम्बन होकर वैकेंसी आएगी। आप जानते हो हर साल लगभग 4,000 वैकेंसी ESIC की निकलती है। तो अब जैसे अलवर की इसमें अगर 250 पोस्ट जुड़ जाती है और 250 इसकी जुड़ जाती है, तो लगभग 4,500 बहुत बड़ी वैकेंसी ये आने वाली है आने वाला टाइम है। और अभी चल रहा है जनवरी, तो लगभग 3 मंथ इसको वैकेंसी को आने में लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, 3 मंथ इस वैकेंसी को आने में लगेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है आपको, क्योंकि 1 मंथ बाद एग्ज़ाम होते हैं, तो हम इसमें सेलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि और इसमें मैं बता दूँ एग्ज़ाम पैटर्न का क्या रहेगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें हम, तो इसमें लगभग 125 नंबर 120 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 100 नंबर के हमारे नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ दोस्तों, 100 नंबर से रिलेटेड हमारे नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा 25 और 20 नंबर के हमारे अदर्स क्वेश्चन आते हैं, जो कि होते हैं GK के या फिर इंग्लिश, रीजनिंग, ETC, जो अदर जो होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं। तो 125 के नंबर के लगभग इसमें क्वेश्चन होते हैं। तो ये था एक एप्लीकेशन अभी जारी किया गया है, इसमें काफ़ी पोस्टें बताई गई है, तो ये लगभग वैकेंसी आने वाली है। मैंने कहा था दोस्तों CH में अगर आपको सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे कई सारी वैकेंसी आ रही है, तो आपको उनकी प्रिपरेशन कर देनी है स्टार्ट। आप अगर बात करें आगे नर्सिंग वैकेंसी की, तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, ESIC की आ रही है, इसके अलावा CHO की निकलती रहती है। CHO की सुन रहे हैं राजस्थान की आने की, नॉर्थ सीट एम्स हमारे सितंबर में होगा, तो वो भी आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। लगातार हमें पढ़ाई करनी है, कोचिंग के नोट्स हमें कंटिन्यू पढ़ने हैं, और एक बुक पकड़ के हमें उसको निरंतर अभ्यासरत करना है और रिवीजन करना है, तो हमारा सिलेक्शन हमें किसी न किसी एक चीज़ में तो मिल ही जाएगा, तो हमें निराश नहीं होना है दोस्तों। तो इसी तरह नर्सिंग की वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेता था, बेल आइकन दबा लें, ताकि हर एक नर्सिंग वैकेंसी की अपडेट आप तक मैं पहुँचा सकूँ और हर एक नर्सिंग वैकेंसी की जानकारी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।